हाय गाइस, कामयाबी हमारी सोच से ज़्यादा हमारी विचारों की श्रृंखला के ऊपर निर्भर करती है। कामयाबी सोच से तो निर्भर होती ही है, बट उससे ज़्यादा होती है आपके विचारों की श्रृंखला कैसी है। दोस्तों, मेरा नाम राम प्रकाश ठाकुर है और मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ जिसको देखने के बाद आपको जेन्युइनली ऐसा फील होगा डेफिनेटली कि वाकई में हमें अपनी सोच के ऊपर, विचारों की श्रृंखला के ऊपर कितना काम करना चाहिए। दोस्तों, चलिए आज नया सीखते हैं राम प्रकाश ठाकुर के साथ। एक बार एक व्यक्ति होता है जो एक बुद्धि की दुकान खोलता है। आसपास में बहुत सारे दुकानदार होते हैं, कईयों ने कपड़े की दुकान खोली होती है, कईयों ने सब्जी की दुकान खोली होती है, कुछ लोगों ने अपना क्रॉकरी का बिजनेस खोला हुआ है, अलग अलग तरह के बिजनेसेस हैं। बट उस आदमी का वो मजाक उड़ाते हैं कि बुद्धि की दुकान। वो एक चेयर पर बैठा होता है और कुछ पर्चियाँ रखी होती है उसने वहाँ पर, और बाहर लिखा होता है जिसको बुद्धि चाहिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, 15-20 दिन ऐसा हुआ कि उसका बिजनेस नहीं चला, पर एक बार एक बुद्धिजीवी राजा का मंदबुद्धि बच्चा वहाँ से जा रहा था और जाते जाते उसकी नज़र उस दुकान के ऊपर पड़ी और वो सोचता है मेरे माता पिता मुझे मंदबुद्धि बोलते हैं, डेली नलायक बोलते हैं, क्यों ना मैं उसके पास जा करके थोड़ी सी आज बुद्धि खरीद लूँ। चला जाता है बच्चा और कहता है कि भाई साहब मुझे आधा किलो बुद्धि चाहिए, मिलेगी? उसने कहा भाई किलो के हिसाब से बुद्धि नहीं बेचता हूँ मैं, और ना तो मैं बातों से बुद्धि बेचता हूँ, मैं कुछ लिख कर देता हूँ और उससे बुद्धि बेचता हूँ। उसने कहा मेरे पास 1 रुपया है, 1 रुपये में आप जितनी बुद्धि दे सकते हैं दे दीजिए। उसने क्या किया, लिख करके उसको दिया और जैसे उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था, जब कोई 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हो तो उसको देखना बुद्धिमानता नहीं है। और जैसे उसने पढ़ा खुश हो गया और जाते घर जाते अपने पिताजी को बोलता कि पिताजी पिताजी आज मैं बुद्धि खरीद करके लाया हूँ। पिताजी बोलते हैं, राजा होते हैं, कि कौन सी बुद्धि बताइए। और उसने जैसे उसको पर्चा दिया वो पढ़ा, उसमें लिखा होता है कि 2 लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो रही हो उसको देखना बुद्धिमानता नहीं है। और उसको गुस्सा आता है एकदम से कि इसको बेवकूफ़ बनाया। कहता है कि चल तू मेरे साथ उस दुकानदार के पास और उससे मिलते हैं, फिर पूछते हैं उसको कि उसने क्या का धंधा चलाया हुआ है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। और वहाँ जाता है गुस्से से उस दुकानदार को भला बुरा बोलता है, कहता है कि मेरा 1 रुपया वापस कर और अपना ये पर्चा ले लीजिए। तो दुकानदार बोलता है, दोस्तों देखो मैंने बुद्धि बेची है, उसका मैंने 1 रुपया लिया है, वैसे मैं अपना 1 रुपया आपको नहीं दूंगा, ये मेरा हो चुका है, परंतु एक कंडीशन में आपको 1 रुपया दूंगा कि आपको एक शर्त रखनी पड़ेगी कि जो मैंने आपको बुद्धि बेची है उस बुद्धि से जो सीख मिली है आपको उसका आप कहीं पे भी अपने जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे। तो राजा बोलता है कि बिल्कुल हम नहीं करेंगे। तो वो दूसरी तरफ क्या होता है कि उस पेज में लिख करके साइन करके देता है कि हम इस बुद्धि से जो मिली सीख उसका इस्तेमाल जीवन में नहीं करेंगे और चले जाते हैं। और दूसरे दिन क्या होता है कि दूसरे राज्य में उस राजा के दूसरा जो राजा होता है उसके साथ ही दूसरे राजा की 2 दासियां होती है और वो आपस में लड़ पड़ती है। जब वो 2 दासियां लड़ रही है सभी लोग देख रहे होते हैं और राजा का बेटा भी वहाँ पे खड़ा है और सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं, परंतु राजा का बेटा उसको याद आते हैं कि कल मैंने वो बताया था कि 2 लोगों को देखना बुद्धिमानता नहीं है, परंतु उसको मना किया था, उसकी जो सीख है अब मैं उसको अमल करूँगा और वो उसको देखता है, दोनों को देखता है और उसको वहां पे पकड़ करके गवाह बना दिया जाता है कि इसने 2 दासियों को लड़ते हुए देखा है, अब कौन सही है कौन गलत है कल राजा के सामने गवाही यही देगा। शाम को घर जाता है और राजा दूसरे वाला जो राजा जिसका जो बेटा होता है जिसने देखा है वो भी संकट में, और वो भी अगर 1 दासी की हम गवाही देंगे तो दूसरी दासी नाराज हो जाएगी, दूसरी देंगे तो दूसरी नाराज हो जाएगी, वो नहीं चाहते थे कि वो 2 दासियां नाराज हों उनसे। तो फिर उनको दोबारा से याद आते कि जो बुद्धि की दुकान वाला जो व्यक्ति है उसके पास क्यों ना मिला जाए दोबारा से जा करके। वो चले जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब सॉरी, आपसे हमने 1 रुपया लिया हुआ था उस दिन और आज हमें आपकी ज़रूरत है, आज हमें आप ऐसी बुद्धि दीजिए कोई कि ये संकट में फंसा है, 2 दासी लड़ी है और उसमें इसको गवाह बनाया है, इन दोनों से बचना है तो कैसे बचे। तो वो व्यक्ति बोलता है कि देखो भाई साहब 500 रुपया लगेगा अब तो। वो बोलते हैं कि कोई नहीं, हम 500 रुपया दे देंगे आपको, बट आप बुद्धि दे दीजिए। उसने 500 रुपया दिया और उसने उस पर्चे में, एक पर्चे में लिख करके दिया कि कल आपको जैसे राजा के सामने पेश किया जाएगा, आपने पागलों की हरकतें करनी है, जाते ही लेट जाना है, जब राजा पूछेगा तो रोने लग पड़ना है, थोड़ी देर के बाद हंसने लग पड़ना है, तो एक्टिंग करनी है, पागल बनना है।
और वो बहुत एक्साइटेड होते हैं और दूसरे दिन जा करके राजा के सामने उसको पेश कर दिया जाता है। वो राजा बोलता है कि बताइए भाई, ये दासी गलत थी या दूसरी दासी गलत थी। तो वो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है, कभी वो लेट जाता है, कभी रोने लग पड़ता है, कभी हंसने लग पड़ता है, कभी वो बोलता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ कुछ, मतलब ऐसे नेगेटिव पागलों जैसी हरकतें एक्टिविटी करता है। तो राजा समझता है ये तो पागल है, पागल क्या गवाह बन सकता है। राजा बोलता है कि इसको ले जाइए, इसको गवाह नहीं हम बना सकते क्योंकि ये तो पागल है। तो उसको छोड़ दिया जाता है। जब छोड़ दिया जाता है तो दूसरे जो राज्य का जो राजा होता है उनको पता चलता है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये तो पागल नहीं है, बट इसको सलाह किसने दी, बुद्धि किसने दी। तो उसको पूछा जाता है कि बुद्धि तुझे किसने दी। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे एक बुद्धि की दुकान है और वो बुद्धि बेचते हैं। तो राजा सोचता है क्यों ना यार, मेरे पास बहुत सारा धन दौलत है, मैं भी एक बुद्धि खरीद करके लाऊं उससे। राजा उस शॉप में जाता है और कहता है कि भाई साहब आप बुद्धि बेचते हैं। उसने कहा बिल्कुल सही जगह पहुंचे, अब मैं बुद्धि बेचता हूं। राजा कहता है कि मुझे एक ऐसी बुद्धि दे दीजिए जिससे कि मैं लाइफ में पॉजिटिव रह सकूं। तो वो बोलता है कि राजा जी देखो बात ऐसी, आपका बहुत बड़ा राज्य है, आपको बुद्धि दूंगा मैं, बट दूंगा कितने का, 1,00,000 रुपये की बुद्धि होगी। राजा ने कहा मेरे पास बहुत पैसा है, कोई बात नहीं दे दीजिए। और राजा को एक पर्ची में वो लिख करके देता है, हमें कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार विमर्श करना चाहिए। अब राजा उसको ले जाता है और अपने पिल्लों में लिख देता है, हमें कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। दीवारों में लिख देता है हमें कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करना चाहिए। हर एक कब्र में, कोने कोने में, गिलास में, प्लेट्स में, जो भी बर्तन होते हैं सब में लिख देता है, कोई भी काम करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। अब राजा 10-15 साल हो जाती है, 10-15 साल के बाद राजा बीमार हो जाता है और उसके माइंड में एक ही चीज़ घूमती है, कोई भी काम वो करता है उससे पहले बहुत ज़्यादा सोचता है, फिर वो निर्णय लेते हैं। और एक दिन राजा बीमार हो जाता है। जैसे राजा बीमार होता है तो राजा का मंत्री होता है वैद्य को बुला करके लाता है और वैद्य उसको दवाई देता है। वैद्य डेली राजा को देखने आता है घर में, उसको दवाई देता है और चला जाता है, दवाई देता है चला जाता है, बट राजा ठीक नहीं हो रहा होता है। मंत्री के मन में विचार आता है कि राजा वैसे भी ठीक नहीं होगा, क्यों ना इसको इस दुनिया से भेज दिया जाए वैद्य के साथ मिल करके। वो एक षड्यंत्र रचते हैं। वो षड्यंत्र क्या रचते हैं, वैद्य को बोलता है कि वैद्य जी देखो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आपने राजा की दवाई में है जहर मिलाना है। क्या कहते हैं, आपने राजा की दवाई में जहर मिलाना है और राजा जब मर जाएगा तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा और राज्य मेरा होगा। तो दूसरे दिन सुबह आता है वैद्य और दवाई मिला करके देता है उसको गिलास में पीने के लिए। और जैसे राजा पकड़ता है उसके हाथ में वही गिलास आता है, उसमें लिखा होता है कि कोई भी काम करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। राजा पीने ही वाला होता है, मुँह के पास गिलास होता है, उतने में उसको वो वर्ड दिखाई देते हैं और उस गिलास को नीचे रखता है और सोचना स्टार्ट करता है, कभी राजा ऐसे करे। तो उन दोनों को हो जाता है शक कि राजा को पता चल चुका है कि हमने राजा को मारने का षड्यंत्र रचा है। तो मंत्री सोचता है कि राजा कहीं दंड देने के बारे में सोच रहा है, बड़ा दंड ना दे दे उससे पहले क्यों ना अपनी गलती कबूल कर दी जाए। और उसके राजा के पांव पड़ता है, राजा जी माफ़ कीजिए। राजा परेशान, क्या हुआ भाई तुझे। वो बोलता कि राजा जी हमने आपके उसमें जहर मिलाया था, हमें पता था कि आपको पता चल चुका है, इसलिए दंड कृपा करके कम से कम कीजिए, छोटा दीजिए। और राजा हैरान रह जाता है कि उसने जो 1,00,000 रुपये में बुद्धि बेची थी वो आज काम आ गई। और राजा सोचता है कि वो जो बुद्धि है वो इतनी ज़्यादा काम आई क्योंकि उसने कहा मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रहा था, मैंने तो सोचा थोड़ा दवाई लूँ तो मतलब थोड़ा सोच करके लेता हूँ कि क्यों ले रहा हूँ मैं, क्यों खा रहा हूँ दवाई। तो उन दोनों को बुलाया जाता है, उसके राजा के जो दूसरे लोग होते हैं वो पकड़ करके ले जाते हैं कारागार में, उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। और राजा बड़ा खुश होता है और जा करके उसी शॉप में जो बुद्धि की दुकान होती है उस दुकान में जाता है और जा करके उससे पूछता है कि यार मैंने जो मेरा मंत्री है उसको जीवन कारावास में डाल दिया है और मैं तुझे अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ, पर तू मुझे बुद्धि दे, एक ऐसी बुद्धि देना तूने जो मेरी लाइफ टाइम काम आए, आजीवन काम आए। उसने कहा देखो राजा जी, अगर आपने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया है तो मैं आपको बुद्धि दूंगा, परंतु एक कंडीशन है, वो बुद्धि ऐसी होगी वो आपने पढ़नी नहीं है। जब भी आपके जीवन में घोर से घोर संकट आए, बहुत बड़ी विपत्ति आए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में, जब आपको कुछ भी समझ ना आए तो वो बुद्धि का इस्तेमाल आपने तब करना है, बाकी मैं संभाल लूंगा, मैं आपका मंत्री हूंगा। तो वो क्या करता है, लिख करके देता है पर्ची उसको और बोलता है राजा जी को जेब में डाल दीजिए इस पर्ची को, इसका इस्तेमाल तभी करना जब आप समस्या में होंगे।
और उसको मंत्री बना दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद उनका बहुत अच्छा राज्य चल पड़ता है, मंत्री बहुत तेज होता है और दूसरे चार पांच राज्य के जो राजा होते हैं वो उससे जलन करना शुरू कर देते हैं। जलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जो इसने पिछले 30-40 सालों में ग्रो नहीं किया था वो 4-5 साल में ग्रो कर गया। तो वो मिल करके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, उसके राज्य के ऊपर दूसरे राज्य के लोग। जब उसके राज्य के ऊपर अटैक हुआ दोस्तों, उसके सारे सैनिकों को मार दिया जाता है और मारने के बाद राजा भाग जाता है जंगल की तरफ और मंत्री भी साथ साथ। राजा जंगल में घूम रहा है इर्द गिर्द लगातार, परंतु उसके माइंड में एक ही विचार आ रहा है कि कोई भी काम करने से पहले हमें खूब सोचना चाहिए, कोई भी काम करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करना चाहिए, बाकी उसको कुछ नहीं दिख रहे होते हैं। पर मंत्री जी साथ में होता है तो मंत्री जी बोलता है, राजा जी वो पर्ची निकालने का टाइम आ गया है। ओ राजा बोलता है कि ओ माय गॉड, मैं तो भूल चुका था, सच में आपने जो बुद्धि दी थी लास्ट में वो जो पर्ची, उसको निकालने का समय आ गया। राजा जी जल्दी से अपनी जेब में हाथ डालते हैं और जेब से पर्ची निकालते हैं और उसमें एक सेंटेंस लिखा होता है, घबराइए मत, ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्या लिखा होता है? घबराइए मत, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे राजा पढ़ता है बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जब राजा को लगता है कि ये वक्त गुजर ही जाएगा तो घबराने की क्या बात है, हम क्यों भाग गए जंगल की तरफ। राजा दोबारा से एनर्जी को कलेक्ट करता है और उन शत्रु को पर अटैक करता है, 1-2-4 सैनिकों को मारता है, उससे आगे आगे बढ़ करके अनदर सैनिकों को मारता है, फिर वो अपनी तरफ सैनिकों को कर लेता है मोटिवेट करके उनको, और अपने राज्य को दोबारा से सभी सैनिकों को हरा करके, उन राजाओं को हरा करके दोबारा से हासिल कर लेता है। जब राज्य उसको मिला तो उसको लगा कि यार ऐसा मंत्री तो जीवन में कभी नहीं मिलेगा मुझे, इतना अच्छा, उसकी हर एक सलाह काम आ रही है जीवन में, हर एक बुद्धि की दुकान, सच में कितनी पावरफुल शॉप थी। तो राजा पार्टी रखी होती है, राजगद्दी में बैठा है, बगल में मंत्री बैठा हुआ है, लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, सारे इंजॉय कर रहे हैं और राजा बड़ा खुश है। बोलता है मंत्री जी को, मंत्री जी अब आखिरी बात एक और, अब मुझे एक और बुद्धि दीजिए, अब हमने राज्य भी ले लिया है और अब हम इंजॉय कर रहे हैं, अब हम जीवन में बहुत ज्यादा खुश है, तो अब कौन सी बुद्धि देना चाहेंगे आप? तो मंत्री बोलता है, राजा जी अब मैं आपको बुद्धि नहीं देना चाहता हूं, आप एक बार पर्ची दोबारा से निकाल करके पढ़ लीजिएगा। राजा जी पर्ची निकालते और उसमें दोबारा लिखा होता है, घबराइए मत, ये वक्त भी गुजर जाएगा, मतलब ज़्यादा उछल मत, ये टाइम भी निकल जाएगा। अप्स एंड डाउन्स दोस्तों हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं, उसमें भी गुजर जाएगा, इसलिए हमें अपोजिट सर्कमस्टांसेस में, विपरीत परिस्थिति में अपने विचारों की जो श्रृंखला है वो सकारात्मक रखनी चाहिए। इस कहानी से देखो, पहली कहानी का सिंपल मोरल था कि आदमी के पास किसी भी चीज की दुकान हो, परंतु बुद्धि की जो दुकान है, आइडियाज की जो दुकान होती है, वो बहुत कम लोगों के पास होती है और वो आइडियाज हमें लेते रहना चाहिए। अगर कोई अच्छा आदमी हमें मिलता है, अच्छी सीख देने वाला, उससे हमें चीजें सीखनी चाहिए। सेकेंड वन कि जब भी कोई दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो उनको देखने के बजाय हमें उनका समाधान निकालना चाहिए, या जब आप ऐसी परिस्थिति में फंसे, जैसे राजा का जो बच्चा था वो फंसा था परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, उसके साथ घटना क्या घटी थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं आंसर क्या दूं, तो हमें एक ऐसे बुद्धिजीवी आदमी से परामर्श लेना चाहिए, राय लेनी चाहिए, जो बहुत ज्ञानी हो, जो हमें सही रास्ते पर भेज सके आगे। उसने ली थी उससे बुद्धि की दुकान वाले से और उसने उसको सही ट्रैक बताया था और वो ना तो एक दासी का दुश्मन बना था ना तो दूसरी का। तीसरा मोरल उसका ये था कि जब भी आपके जीवन में बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति आए, बड़ी से बड़ी अप्स एंड डाउन्स आए, तो उस परिस्थिति में, उस अप्स एंड डाउन्स में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें सेंटेंस लिखा था, घबराइए मत, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में आज बुरा वक्त चला है तो घबराना नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब अगर दिन चला है तो रात भी होगी, रात होगा तो दोपहर भी होगी, सुबह भी होगी, तो इसका मतलब ये हुआ हमें अप्स एंड डाउन्स झूला होता है, अगर पीछे जाएगा तो आगे भी आएगा, आगे जाएगा तो पीछे भी जाएगा, जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में एक इकोनॉमिटी मेंटेन करनी होती है, समता भाव बनाए रखना होता है, ताकि हम जीवन में आगे अच्छे से काम कर सके और आगे बढ़ सके। दोस्तों माइंड ऑपरेशन एकेडमी में भी ऐसे विचार दिए जाते हैं, ऐसी बुद्धि दी जाती है और ऐसे ही जीवन को नए तरीके से डिज़ाइन करने के तरीके बताए जाते हैं, एक सोच को नया परिवर्तन, नई दिशा देने के तरीके बताए जाते हैं। ऑफलाइन आकर के आप स्टडी कर सकते हैं और टाइम टू टाइम माइंड ऑपरेशन एकेडमी में मोटिवेशनल सेमिनार, मेमोरी पावर, NLP, माइंड पावर के भी सेमिनार करवाए जाते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और भविष्य में अकेडमी में ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट किए जाएंगे अकेडमी के साथ और चैनल के साथ।
साथ जुड़े रहिएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मुझे कॉन्फिडेंस देता है आगे नई वीडियो बनाने के लिए। अगर आगे आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो कमेंट में भी आप बोल सकते हैं। जब तक नई वीडियो ना आए तब तक चैनल के साथ बने रहिए। स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।